नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको लगातार मैंने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आते थे कि आप तो सिर्फ रद्द करवाने के पीछे लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये सेकंड ग्रेड है वो लीक प्रकरण हुआ था। यानी 60 दिन पहले ही पेपर बाहर निकल जाना, यानी कटारा खुद अपने घर 60 दिन पहले ही पेपर ले गया, तो कितने बड़े स्तर पर ये पेपर लीक हुआ था। और लगातार हम डिमांड कर रहे थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पहले जो आपका 24 जनवरी को पेपर था वो रद्द किया गया, तो मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी कि यही एक पेपर थोड़ी है कि जो लीक हुआ है, बाकी और भी 21-22 वाले भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन उस पर कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि रद्द की मांग वही कर रहे हैं जिनके 40% नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहे, रद्द क्यों करवा रहे हैं, क्यों पीछे पड़ रहे हैं आप। लेकिन अब देख सकते हैं आप, कल जो अपडेट आई, कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि केवल जो जीके के पेपर रद्द करना क्या उचित होगा, या बाकी जो मेन पेपर हैं क्या वो लीक नहीं हुए। यानी 21 और 22 दिसंबर को आपकी ग्रेड सेकंड के जीके के जो पेपर हुए थे, क्या उसी दिन जो आपकी परीक्षा हुई थी, तो क्या वो सेकंड ग्रेड में जो सब्जेक्ट वाले पेपर हैं वो लीक नहीं होंगे। एक बात आप सोच कर देखिए, जो विद्यार्थी 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जितने भी ले रहे थे, वो अगर जीके वाले के दे सकता है, और मेंडर होता है सब्जेक्ट का। इस बार देखिए, चाहे आप साइंस का ले लीजिए, चाहे मैथ्स का ले लीजिए, तो डर किसका था, मेन डर था आपके सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट में आप 40% नहीं बना रहे हैं, और पहले वाले में अगर 40% आपके बन रहे हैं, तो फिर क्या बेनिफिट 10-15 लाख रुपये देने का। तो यानी दोनों पेपर ही मिलेंगे तभी कोई विद्यार्थी लेना चाहेगा। तो यहाँ पर यह भी आप देख सकते हैं, जो अपडेट हमने आपके पास रखी है यहाँ पर देखिए, आप मेरी बात से सहमत भी हैं कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक मामला, कटारा सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट। परीक्षा से 60 दिन पहले कटारा घर ले गया था पेपर, लीक करने के बाद कराया जमा। यानी जब पेपर आपके हाथ से लिखे जाते हैं, जब पेपर बनाए गए थे, वही पेपर कटारा है वो अपने घर ले गया, और फिर उस पेपर को अपने जिनको भी बांटना था, तो शेरसी है उससे लेकर गया, फिर ढाका के पास गया। तो यानी जो ये प्रकरण समझ में आ रही है चीज़ें, देखिए यहाँ से ये पेपर निकलते हैं, फिर बाहर यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य के साथ दिखाया गया है। सबूत मिटाने के लिए रजिस्ट्रार ने जला दिया गया। यानी बहुत सारी साजिशें इसके बीच रची गई हैं, और एक बड़े स्तर पर भर्ती लीक हुई है, ना कि एक छोटे स्तर पर। क्योंकि देखिए, एक एक बस के अंदर 60-60 विद्यार्थी पकड़े जाना, तो कितनी ऐसी बसें चली होगी, कितने रूम्स के अंदर इस प्रकार की तैयारी हुई होगी। और इतनी तो बड़ी भर्ती भी नहीं होती है, और यहाँ पर थोड़ी सी टाइम में भी इतने आपके बच्चे पकड़े जाते हैं, व्यक्ति पड़ जाते हैं, तो कितना बड़ा ये सरगना होगा, और कितने बड़े स्तर पर ये लीक हुई होगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े स्तर पर लीक हुई है, और जो मेहनत करने वाले हैं, हालांकि हम मानते हैं कि कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अच्छे अंक भी हासिल किए हैं मेहनत करके, लेकिन जितने मेहनत करके लगने चाहिए थे उससे ज़्यादा नकल करके लगने वाले विद्यार्थी इसके अंदर हैं। तो ये पूरी भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। अब देखिए, एक दो पेपर ये हो गए, जीके वाला रद्द कर दिया, तो अब कितने एक पेपर बचे हैं आपके सब्जेक्ट के बचे हैं, उनको भी रद्द करके दोबारा परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, ताकि सभी के साथ न्याय मिले। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा कि आप इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं, या फिर आपकी क्या डिमांड है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं इस तरह की कोई और भी अपडेट आएगी। धन्यवाद।